दोस्तों, अगर आप भी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर भारत पहुंचा फाइनल में तो भड़क उठे दुनिया भर के दिग्गजों ने। ICC से कर डाली बड़ी मांग इंग्लैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने तो करी सभी हदें पार, लेकिन इनको फिर मुंह तोड़ जवाब देकर धोनी ने जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिरकार दिग्गजों के बीच जो बहस हुई है सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, और धोनी का तो जवाब सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और जॉस बटलर में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच ICC T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां इस मैच में इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर ने बारिश हो जाने के बावजूद भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। अब यहाँ भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना डाले। इस दौरान रोहित शर्मा ने तो 57 रन की पारी खेली, तो विराट कोहली ने भी 9 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत 4 रन बनाकर भले आउट हो गए, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने अपनी जिम्मेदारी समझी और 47 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए 171 रन तक पहुंचाने का काम किया। अब यहां 172 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को मिल चुका था, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड को इसी बात का डर था कि भारत के गेंदबाज इनके एक के बाद एक विकेट चटकाने शुरू ना कर दें, और यहाँ जो सोचा वही हुआ। दरअसल दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के लिए जब पारी की शुरुआत करने फिल सॉल्ट और जॉस बटलर साथ उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए मात्र 26 रन की साझेदारी की। इस बीच जॉस बटलर 23 रन बनाकर आउट हो गए, तो फिल सॉल्ट ने 5 रन ही बना पाए, और इसी के साथ दो बड़े झटके लग जाने के बाद इंग्लैंड की टीम इतनी फिसड्डी साबित होगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यहाँ मोइन अली 8 रन, जॉनी बेस्ट्रो 0 रन, हैरी ब्रुक 25, तो सैम करन ने 2 रन बनाए, और एक के बाद एक विकेट इंग्लैंड टीम के गिरते चले गए, और 103 रन पर इंग्लैंड की पूरी पारी समाप्त हो गई, जहाँ 68 रन से भारत की टीम ने यह मुकाबला को जीता। बाकी दोस्तों, अब भारत की शानदार जीत के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 की दो फाइनलिस्ट टीम हम सभी को मिल चुकी है, एक है साउथ अफ्रीका तो दूसरी हमारी भारत की टीम, और अब दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला 29 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर देश दुनिया भर के दिग्गज बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान पहला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है शोएब अख्तर का, जिन्होंने कहा, देखो मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ कि ICC को ध्यान देना चाहिए कि जॉस बटलर टॉस जीते, लेकिन टॉस जीतने के बावजूद उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। भला कोई भी अगर कप्तान होता, चाहे मैं मानता हूँ आयरलैंड टीम का ही क्यों ना होता, वो टॉस जीतकर पहले इस मैदान पर बल्लेबाजी करने का फैसला करता। क्या मैं ये समझूं कि पीछे पीछे कुछ बात हुई है इंग्लैंड के खिलाड़ियों से और कई करोड़ों रुपए भरकर इंग्लैंड की टीम की मानसिकता के साथ खेला गया है? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह सब सच है, लेकिन इस पर जांच ICC को जरूर करनी चाहिए। हो सकता है कि भारत बेईमानी से जीता हो। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है केविन पीटरसन का, जो कहते हैं कि भारत की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और वो डिजर्विंग थे इस जीत के लिए। इंग्लैंड की टीम तो लगातार किस्मत के भरोसे यहां तक पहुंची है। मैं नहीं मानता कि इंग्लैंड की टीम फाइनल खेलने की डिजर्विंग थी, और अब दो सबसे अच्छी T20 वर्ल्ड कप की टीमों के बीच फाइनल होगा, जो कि मुझे काफी खुशी हो रही है भारत और साउथ अफ्रीका के लिए। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा कि भारत की टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और टीम इंडिया ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी वहां से दिल खुश हो गया इस मुश्किल ट्रैक पर भी, लेकिन भारत की टीम ने कहीं ना कहीं हद तक कुछ तो बेमानी करी है टॉस में, मुझे ऐसा लगता है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो है महेंद्र सिंह धोनी का, जहां धोनी ने सबको मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी टीम बेईमानी से जीती है तो आप जांच करवाइए, हमारी टीम की बेईमानी पकड़वाइए, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है तो आपके देशों की टीमें कभी भी T20 वर्ल्ड कप या फिर बड़े ICC इवेंट्स को खेलने के लिए ना आए, मैं यही चाहूंगा, और अगर दम है तो आप भी यही करके दिखाइए। तो दोस्तों, यहां पर धोनी ने तो ऐसा मुंहतोड़ जवाब देकर ही लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। बाकी अब आप क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा वो सही है फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।